फाइनली अब केदारनाथ के लिए निकल गया घर से। ये तो ऊपर के लिए है, इसको लगाए थे बैग में, चलते हैं। ये जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए भी। निकल से यहाँ से मैं कश्मीरी गेट ISPT पे आ गया। यहाँ से बस लेंगे ऋषिकेश की, ऋषिकेश की बस लेके फिर निकलते हैं यहाँ से। मतलब ऋषिकेश पहुँचा हूँ। ये देखो ये बस स्टॉप है, यहाँ पे एक बस स्टॉप उस साइड पे भी है, मतलब परली साइड पे उधर, लेकिन वो दूसरा बस स्टॉप है। वहाँ से सोनप्रयाग के लिए बसेज नहीं मिलती, सोनप्रयाग के लिए छोटे वाले बस स्टॉप पे मिलेगी। और हाँ मैं बताऊँ, मेरा दिल्ली से ऋषिकेश का बस पे लगा, लोकल बस जो उसका फेयर है 418 रुपये, ठीक है। उसके बाद ऋषिकेश से देखते हैं सोनप्रयाग के कितने लगते हैं। बाबा बाबा भी आ रखे हैं, ये सब भी वही जाएंगे सोनप्रयाग। केदारनाथ के सबसे पहले दर्शन करेंगे हम सारे, हर हर महादेव। तो गाइज़ मैंने अभी टिकट ले ली ऋषिकेश से उधर की, सोनप्रयाग की नहीं ली मैंने, गुप्तकाशी की ली है, क्योंकि आज डोली वहीं पहुँचेगी गुप्तकाशी, फिर हम डोली के साथ साथ जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने गुप्तकाशी की टिकट ली है। और मेरे को पड़ी है ऋषिकेश से गुप्तकाशी की टिकट 380, ठीक है। 418 में दिल्ली से ऋषिकेश आया, और 380 रुपये में ऋषिकेश से गुप्तकाशी, जहाँ तक मुझे आज जाना है, ठीक है। वहाँ पहुँचता हूँ धीरे धीरे, जो कुछ भी होगा ना एक एक रुपए का इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा सब कुछ, ठीक है। और कहाँ कहाँ रुक रहा हूँ, कैसे रुक रहा हूँ, सब कुछ, ठीक है। तो गाइस अभी हमने लिया है ब्रेक यहाँ पे कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे ये हम रुके हैं टीरी में, ठीक है। और यहाँ पे देखो पीछे का व्यू कैसा है, अभी हमें यहाँ से चल के जाना हुआ है। ऐसे ऐसे पहाड़ कवर हो गए सारे, बहुत सही है, मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे, ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है। अभी रात को तो ठंड होती होगी यहाँ पे। के लिए इधर से इधर को जाना है ओमकारेश्वर टेम्पल, लेकिन हम तो एक दिन लेट हो गए, तो इसलिए यहाँ जाना है हमें गुप्तकाशी। देखा है ना ऊपर गुप्तकाशी लेफ्ट, चौपटा भी इधर ही है राइट में, यहीं से निकलेगा चौपटा, टुंगनाथ, चंद्रशिला, इधर से ऊपर।
तो गाइस ये हम गुप्त काशी की मार्केट है पूरी, ये टेंपल का रास्ता जा रहा है ऊपर यहाँ से, पूरी सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन ना अभी जाते हैं दिखाता हूँ मैं यहाँ शुरू में, जैसे दिखाता हूँ मैं ये सीढ़ी जा रही ऊपर सीधी, ये सारी सीढ़ियाँ चल चढ़ के आए ऊपर हम, और अब ये आता है लास्ट में, ये मंदिर का गेट है। चमक पड़ रही है मनी जैसी, नहीं होती ये काफी अच्छा व्यू बड़ा सा लग रहा है ना। हां क्या तो तब तो आता है भी, हां मेटल का होता है ये, देखो ये गुप्त काशी मंदिर है, ये श्री अर्धनारीश्वर मंदिर है, और यहाँ पे इस बोर्ड पे बता रखा है गुप्त काशी मंदिर के बारे में, इसमें बताया हुआ 5000 साल पहले जब, हाँ इसमें बताया हुआ 5000 साल पहले ये मंदिर बसा था, ठीक है, और ये केदारनाथ का यात्रा का सबसे मतलब मेन है, मेन पड़ाव है, इसमें आराम से पढ़ लो जो जो लिखा है ना सब, इसमें इसका पहले का नाम मांडी था, जब पांडव भगवान शिव को ढूंढने के लिए आए हुए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तब भगवान शिव ने गुप्तवास किया था यहाँ पे, तब पांडवों ने यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर के में एक मणिकर्णी का नामक कुंड है, अच्छा ये कुंड है जिसमें गंगा और जमुना दो जलधारा बहती हैं एक साथ, ये रहा, अच्छा ये दो जलधारा है, जलधारा है एक गंगा एक जमुना, ये फर्क है इसका, तो इसलिए किसी मंदिर में जाओ उधर जो बोर्ड लगा होता है ना जिसमें मंदिर के बारे में बता रखा होता है, उसको पहले देख लो, उसको पढ़ लो, तो मंदिर के बारे में कुछ समझ आ जाएगा सब कुछ ना, जैसे यहाँ पे एक बोर्ड है ऐसे हर मंदिर में होता है कहीं ना कहीं पर बोर्ड, तो पहले बोर्ड पढ़ो उसके बाद जाके समझ आएगा ना कि क्या होना है क्या करना है ना, तो इसलिए। तो गाइस जैसे कि आज पहला दिन था डोली का, और आज लेके आए उकी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर से लेकर सीधा यहाँ पे गुप्त काशी मंदिर में लेके आए, ये रहा मंदिर मेरे पीछे, और कल सुबह 5 बजे यहाँ से लेके जाएंगे, और जो दूसरा दिन होगा उसमें लेके यहाँ से सीधा जाएंगे वहाँ पे फाटा में, तो कल तो हम होंगे यहाँ पे इनके साथ ही जाएंगे, आज यहीं रुके हैं, आज हमसे मिस हो गया क्योंकि हमारी बस लेट होगी दिखन, ठीक है। और गुप्त काशी मंदिर ये है, और श्री अर्धनारीश्वर मंदिर ये है साथ में, घुमा लो अच्छा, आगे भी दिख रहा है पीछे भी दिख रहा है, क्या कुछ भी बोलते रहो, पानी के अंदर भी डाल लो, पानी के अंदर भी डाल लो, 20-22 फीट ऐसे ही कुछ, 20-22 फीट अंदर, हाँ स्विमिंग करो अंदर ले जाओ इसको, ले जाओ, मैं नहीं करता लेकिन इसमें बूंद भी गिरती है मैं तो ऐसे साफ करता हूँ, पूरा क्लियर दिख रहा है ना यहाँ से, इसमें नहीं पता लगेगा, अच्छा लेकिन दिखेगा क्लियर जब वीडियो आएगी, बिल्कुल ठीक, चलो पैसे भी महंगे हैं। Yeah, yeah.